और अब खबर मिल रही है उदयपुर से। उदयपुर के कुछ युवाओं को धारदार हथियारों को लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डालना भारी पड़ गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इन युवकों ने सोशल मीडिया पर बंदूक और तलवार समेत अन्य धारदार हथियारों का प्रदर्शन करते हुए वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया। वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शुरुआती तौर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ के बाद बाकी 9 आरोपियों को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों की निशानदेही पर तलवार, छुरी, एयरगन समेत अन्य हथियार भी बरामद कर लिए और फिलहाल पुलिस इन गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर रही है। गोवर्धन विलास की टीम के पास में कल एक वीडियो प्राप्त हुआ था सोशल मीडिया के द्वारा, और जिसके अंदर कुछ युवा वर्ग के जो लड़के थे वो हथियार का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे, जो कि 2 वीडियो थे। इसके अंतर्गत गोवर्धन विलास थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और इन युवकों की तलाश के दौरान इन्हीं के साथीगण जो 2 थे उनको लाके कल 4/25 के अंदर धारदार हथियार रखने के अंतर्गत उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।